दोस्तों स्टार बनते ही रानू मंडल के बारे में फैली पांच ऐसी अफवाहें जो झूठी साबित हुई। दो तो सलमान से है जुड़ी। जी हाँ, कभी गलियों और स्टेशन पर गाना गाने वाली 59 वर्षीय रानू मंडल की जिंदगी रातों रात बदल गई है। पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर रानू मंडल लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही थी, जिसे वहाँ पर मौजूद अतेंद्र चक्रवर्ती नाम के शख्स ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दिया। रानू मंडल के मशहूर होने के बाद कई तरह की खबरें सामने आई, जिनमें से पांच ऐसी अफवाहें भी फैली जो झूठी साबित हुई। दरअसल रानू मंडल के बारे में सबसे पहले ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि सलमान खान ने रानू मंडल को एक आलीशान घर दिया है जिसकी कीमत 55 लाख बताई जा रही है। यही नहीं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 में भी रानू को गाने का मौका दिया है। पश्चिम बंगाल के राणाघाट स्थित आमरा सोबाई शैतान क्लब के सदस्य विक्की विश्वास ने बताया कि हमारे क्लब के दो सदस्यों ने रानू का वीडियो राणाघाट स्टेशन पर शूट किया था जो वायरल हो गया। तब से हम लगातार उनका ध्यान रख रहे हैं। सलमान खान की ओर से उन्हें 55 लाख का घर देने वाली झूठी खबर है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। दूसरी अफवाह तब फैली जब हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में मौका दिया। रिकॉर्डिंग का वीडियो भी हिमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। तब रानू मंडल को लेकर एक और खबर वायरल हुई कि उन्होंने इस गाने के लिए कितनी फीस ली है। कहा गया कि हिमेश ने तेरी मेरी गाने के लिए करीब 6 से 7 लाख रुपए रानू को ऑफर किए। रानू ने ये पैसे लेने से मना कर दिया। हिमेश ने रानू को ज़बरदस्ती पैसे दिए और कहा कि बॉलीवुड में तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिमेश या रानू की तरफ से फीस को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। इस तरह ये खबर भी एक तरह से झूठी साबित हो गई है। एक अफवाह ये भी फैली कि रानू मंडल के नए गाने तेरी मेरी का जब वीडियो वायरल हुआ तो इसी गाने को लेकर सलमान खान का भी वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा था कि सलमान रानू का गाना सुनकर रो पड़े। दरअसल फेसबुक पर रानू मंडल नाम के एक अकाउंट से वीडियो साझा किया गया। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि रानू की आवाज़ सुनकर सलमान खुद को संभाल नहीं पाए और रोने लगे। करीब 22 मिनट का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि सलमान के साथ चार और लोग नजर आ रहे हैं। एक फ़ोन मेज पर रखा हुआ है जिसमें गाना बज रहा है। दिलचस्प बात यह कि फ़ोन की स्क्रीन पर जो सीन नज़र आ रहा है वह सलमान की फिल्म रेस्त्री से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर वीडियो के बैकग्राउंड में रानू मंडल के तेरी मेरी गाने की आवाज़ आ रही है। इसके साथ ही वीडियो को एडिट भी किया गया है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा उसमें रानू मंडल के रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भी नज़र आएगा। इससे साफ नज़र आ रहा है कि यह वीडियो असली नहीं है। ये खबर भी झूठी निकली। रानू मंडल के बारे में और भी कई झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि उन्होंने 15 लाख का घर खरीदा है या हिमेश रेशमिया ने उन्हें गानों की रिकॉर्डिंग के लिए लाखों रुपए दिए हैं। हाँ, यह सही है कि हिमेश रेशमिया ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने अपने खर्चे पर रानू को मुंबई बुलाया, लेकिन इसके अलावा बाकी की खबरें झूठी है। ऐसी खबर भी आ रही थी कि रानू ने 15 लाख की कार खरीदी है। वहीं रानू को बिग बॉस का ऑफर मिलने की भी खबरें सुनने को मिली थी। ये सभी खबरें झूठी बताई जा रही है।